आप लोग सब अब सोच रहे होंगे ये इतनी सारी डिशेस किस लिए भाई, और क्या क्या दिख रहा है इसमें, कहीं खिचड़ी, कहीं जो है वो टिक्के, कहीं जो है वो चपली कबाब, और कहीं जो है वो है बिरयानी। तो सीन क्या है जनाब? तो सीन कुछ इस तरह से है, पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम मेडी व्लॉग्स में, और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के, और क्या चल रहा है आप सबकी ज़िंदगी में? पाकिस्तान में गर्मियां कैसी हैं ये भी बताते हैं। USA में तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लाइटें नहीं जाती हैं। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि हर वक्त AC ऑन रहता है, तो इसलिए थोड़ा फील नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली किसी काम से अगर आप बाहर जाएँ तो मैं कहती हूँ लाइक 5 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते हैं बाहर, इतनी गर्मी है। तो लाइक हम लोगों को मगरिब के बाद, मगरिब हमारे यहाँ होती है अराउंड 8:35-8:40 पे जाके रात में, और जब उसके बाद तक भी हम जो है ना बाहर निकलने का सोचते हैं कि चलो अब निकलते हैं और अब जाते हैं बच्चों को बाहर लेके, वरना उससे पहले तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो जनाब बस क्या कहें, तो गर्मी के मज़े हों और गर्मी में खिचड़ी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। द बेस्ट फूड इन द समर इज़ खिचड़ी, मेरा तो फेवरेट है भाई। योगर्ट डालो, सलाद बनाओ, लाल वाली चटनी बनाओ और मज़े मज़े की खिचड़ी खाओ। तो ये जो टिक्कों का सीन है ना, वो कुछ इस तरह से है कि घर में थी एक दावत, और छोटी सी दावत थी, लाइक इट्स जस्ट लाइक अ 4 पीपल वी इन्वाइटेड। तो मैंने बनाई थी निहारी चिकन बिरयानी एंड चिकन टिक्का। तो यकीन जाने बस क्या करें, साथ बैठ के खा पी लिया था। और इस तरह से फिर ये थी हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो, जो है ना थी मेरी बेटी की बर्थडे, और मैंने थोड़ा थोड़ा उसको समझाया था कि भाई थोड़ा सा मुहर्रम है, थोड़ा ख्याल करते हैं, देखते हैं इन सब चीज़ों का। तो इसलिए उसने कहा ओके मुझे आप फिर ऐसा करें आउटडोर ले चलें। तो मैंने कहा दैट्स द बेस्ट आइडिया, और फिर हम उसको आउटडोर लेके गए, मॉल लेके गए, शॉपिंग वगैरह कराई। आपको सामने दिखा रही थी मैं लुई वटॉन का स्टोर, जो कि जगमगा रहा था लाइटों से और कह रहा था मैडी जी प्लीज़ वेलकम इन और बाय कर लीजिए कुछ आके। लेकिन नहीं भाई जनाब, अभी जेब जो है ना ये इतनी इजाज़त नहीं देती है कि लुई वटॉन के अंदर स्टोर में जाएं और कुछ ले आएं। और ये है गुची, फिर भी गुची लिटिल बिट अफोर्डेबल है, बट आई थिंक देर प्राइसेज आर ऑलमोस्ट सेम। लुई वटॉन थोड़ा और एक्सपेंसिव है खैर, लेकिन गुची भी कोई कम नहीं है भाई। खैर चलें, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। अच्छा, शॉपिंग क्या हो रही थी? शॉपिंग हुई समर क्लोथ्स की। नॉर्मली हमने थोड़ी सी चीज़ें ली स्कूल्स के लिए, कि स्कूल ओपन होने वाले हैं अगस्त से, तो थोड़ा सा समर क्लोथ्स ले लेते हैं, क्योंकि विंटर क्लोथ्स बहुत ज़्यादा बाय कर चुके थे लास्ट ईयर। तो उसके पास मेरी बेटी का लाइक फुल स्लीव्स और हुडीज़, इस टाइप का ही सारा जो है ना स्टफ़ था। तो बस हमने उसको शॉपिंग कराई। उसके बर्थडे का गिफ्ट एक्चुअली यही हुआ कि हमने उसे 2-in-1 काम किया, हमने उसे स्कूल की सारी सब चीज़ों की शॉपिंग कराई और उसकी पसंद की सारी चीज़ें दिलाई। उसके बाद हम उसका बर्थडे केक लेने के लिए गए एक आइसक्रीम स्टोर, क्योंकि उसे आइसक्रीम केक खाना था। देन वी वेंट टू द आइसक्रीम स्टोर। ये अभी हमारे क्लोज बाय जो है ना नया नया खुला है, इसकी एक और ब्रांच है जो थोड़ी सी दूर थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन हम लोग वहीं जाते थे फिर आइसक्रीम खाने। तो हमने कहा भाई ये तो ज़बरदस्त हो गया कि हमारे घर के बहुत क्लोज खुल गई है, तो इसलिए हमने वहाँ से लिया एक आइसक्रीम केक, और हमने जो है छोटा सा केक लिया और उसको थोड़ा सा कट कर लिया घर में। जनाब ये देखिए, यहाँ बन रहे थे चपली कबाब, और चपली कबाब की मैं आपको देती हूँ फुल रेसिपी। मैंने चॉप की है अनियन और सारा हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और सब चॉप करा अच्छे से, और उसका पानी टमाटर का और प्याज का मैंने अच्छे से निकाल लिया था, उसको निचोड़ निचोड़ के डाला था। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ शान का पैकेट, बताती चलूँ मसाले का, और मैंने बस वही डाला है। थोड़ा बहुत मैंने अपने तरफ से, जो पूरा पैकेट नहीं डाला था, थोड़ा अपनी तरफ से एडिशन किया है, वही जिसमें होता है मोटा मसाला सारा और बेसन थोड़ा सा, और इसमें डलता है स्पेशली अनारदाना ना, तो अनारदाना मुझे यहाँ मिल नहीं रहा था, तो इस चक्कर में मुझे शान का पैकेट यूज़ करना पड़ा, लेकिन इट वाज क्वाइट गुड, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट शायद था 2 पाउंड के करीब कीमा, और हाफ पैकेट ऑफ शान मैंने इसमें डाला था, और थोड़ी सी बस कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर नहीं साबुत धनिया, और थोड़ा सा जो है ना वो चाट मसाला, एंड आई एडिड सम अपना क्या बोलते हैं बेसन थोड़ा ऐड करके,
वो मैंने सब ऐड करके और अंडा एक अदद डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया था। अच्छा, इसके अंदर एक बड़े मज़े की बात ये भी होती है, लोग जो है ना अंडे को फ्राई करके और वो भी मिक्स करते हैं और उसके भी चपली कबाब बनाते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, जो कि आपको थोड़ा सा चर्बी का लुक देता है। जो चर्बी एक्चुअली एक अलग से लेके सब लोग चपली कबाब के अंदर डालते हैं ना, तो मैंने वो चर्बी वाला सीन नहीं किया था भाई। मैंने कहा बस जितने हमारी हेल्थ है हम उसको ही उस हद तक ही रखें तो बेहतर है। और मैंने फिर इसके अंदर एक्स्ट्रा अंडा वगैरह भी कुछ करके नहीं डाला था, लेकिन आप लोग ये टिप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए टडा, मेरे हो गए चपली कबाब रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने। मैं आप लोगों से यहाँ से लेती हूँ इजाज़त और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं कराऊँगी, इंशाल्लाह ताला जल्दी ही लाऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। आम का ज़माना है और आम की कोई चीज़ ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो जस्ट कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड इन्जॉय, कॉमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। Please don't forget to subscribe. Please, please, please. I need your support. Okay? And inshallah, फिर मिलेंगे। और मैडी कुछ पकाए और आस पड़ोस में कुछ जाए ना, ये तो होता ही नहीं है मैडी से। तो ये देखिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।